नमस्कार दोस्तों, इंप्रूव योर लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक की रिव्यू करेंगे। जब मैं पूर्व लोगों की बात करता हूँ तो कुछ कई सारे लोग मुझ पे बहुत ही गुस्सा करते थे और कई सारे लोग मुझे कहते थे कि तुझे पूर्व लोगों से क्या प्रॉब्लम है, तू उसे उतनी नफरत क्यों करता है। मैंने उसे कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे पूर्व लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ उसके माइंडसेट से प्रॉब्लम है। मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी पूर ही बिताई है। अगर मैं उसी की तरह माइंडसेट रखता तो मेरी आज की जिंदगी भी उसी की तरह पूर होती और मैं अपने डार्क फाइनेंशियल स्टेटस से बाहर नहीं आ पाता। अगर आज भी आप पूर लोगों की तरह सोचोगे तो आप पूरी जिंदगी पूर ही रह जाओगे। आपको सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करना है, जिसके आइडियाज मैंने इस बुक से निकाले हैं। रिच पीपल थिंक बिग, पूर पीपल थिंक स्मॉल। पूर पर्सन ऐसा सोचता है कि वो सुपरमार्केट जाके एक घंटे तक सभी प्रोडक्ट को कंपेयर करेगा और सस्ती वाली प्रोडक्ट लेके आएगा और सभी प्रोडक्ट पे 200 रुपए का डिस्काउंट लगा के ही आएगा। जबकि रिच पर्सन ऐसा नहीं सोचता, वो एक घंटा वेस्ट करके 200 रुपया नहीं बचाएगा, लेकिन वो एक घंटा यूज करके 1000-2000 रुपए कमाने की कोशिश करेगा और अपने लिए बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट परचेज करेगा। रिच पीपल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, पुअर पीपल फोकस ऑन ऑब्स्टेकल्स। पुअर पीपल ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में बहुत ही कंपटीशन है, इसलिए उसे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। जबकि रिच पर्सन ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश करता है जो मार्केट में बहुत ही यूनिक हो और लोगों की रिक्वायरमेंट हो, जिससे वो अपना बिजनेस चला सके। रिच पीपल एडमायर अदर रिच एंड सक्सेसफुल पीपल, पुअर पीपल रिजेंट रिच एंड सक्सेसफुल पीपल। मैं छोटा था तो मेरी साइड से ओडी निकली, तो मेरे एक दोस्त ने कहा देख ओडी, और मैंने भी उसे ओडी को देखा। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे ये लेनी है, लेकिन मैं ये ले नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तब मुझे वो ओडी वाले को देख के खुशी हुई और मैं भी सोचने लगा मैं भी अपने पैसों से ये ओडी लूंगा। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मैं ये ओडी ले सकूं, इसलिए मैंने पढ़ाई चालू कर दी। और मेरा दोस्त अपने टूटे हुए सपने के साथ बैठा रहा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, कि वो कुछ नहीं कर सकता। रिच पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट, पुअर पीपल चूज टू गेट पेड बेस्ड ऑन टाइम। मुझे अच्छा लगता है जब मुझे कोई ये कहता है कि मैं एक घंटे का वर्क के लिए 1000 रुपए या 2000 रुपए डिजर्व करता हूँ, लेकिन रियल बिजनेस ऐसे नहीं चलता। अगर दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई इंसान कोई नई प्रोडक्ट बनाने के लिए 16 घंटे पर डे वर्क कर रहा है और वो पिछले एक साल से काम कर रहा है और वो आपसे ये कहे मैंने इतनी सारी मेहनत की है इस प्रोडक्ट पे और वो आप ये प्रोडक्ट ले लो, तो क्या आप लेंगे? ऑफ कोर्स आप नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों को रियल वैल्यू के बदले रियल रिजल्ट चाहिए। रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिसमैनेज देयर मनी वेल। पुअर लोगों को मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता है और वो ऐसा बिहेव करते हैं कि उसे सब कुछ पता होता है, और जब भी वो रिच पर्सन को देखते हैं तो जेलस होते हैं और उसकी बुरी बुरी बातें करते हैं, ना कि कोई अच्छी बात उससे सीखे या अपने लिए कोई अच्छी सी बुक पढ़े। रिच पीपल हैव देयर मनी, वर्क हार्ड फॉर देम। पुअर पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर मनी। फिर से वही टाइम और वैल्यू की बात आ गई। पुअर पर्सन ये सोचता है कि मैंने 12 घंटे काम किए और मुझे इतनी सैलरी मिली, जबकि रिच पर्सन सिर्फ 4 घंटे काम करता है फिर भी उसे 50 गुना ज्यादा सैलरी मिलती है। ऐसा क्यों? रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो। मैं छोटा था तो मुझे कुछ नहीं आता था, इसलिए मैं कुछ सीखने के लिए इंटरनेट में रिसर्च करता रहता था। तभी दूसरी तरफ पुअर पर्सन की ऐसी मेंटालिटी होती है कि वो सब कुछ जानते हैं, उसे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वो पूरी जिंदगी पूर ही रह जाते हैं। आज भी दुनिया के सबसे बड़े सक्सेसफुल पर्सन वॉरेन बफेट दिन में 8 घंटे बुक रीड करते हैं और बिल गेट्स पूरे ईयर में 50-60 बुक रीड करते हैं। इसी तरह सक्सेसफुल पर्सन अपने नॉलेज को बढ़ाया करते हैं और अपने वेल्थ भी बढ़ाया करते हैं। तो इस बुक से हमें क्या सीख मिलती है? 95% लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पाएंगे और वो जहाँ है वहीं पे रह जाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि दिल से पुअर पर्सन की मेंटालिटी को नफरत कीजिए और ऐसी मेंटालिटी से दूर रहिए, नहीं तो आप उसी 95% लोगों में रह जाओगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी वीडियो हर वीक लाता रहूंगा।